नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जर्नलिज्म गाइड में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सन ट्रेड के एक बहुत ही कमाल के फीचर के बारे में, जिसका नाम रहता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग फीचर दोस्तों आज के वक्त में हर कोई कंपनी अपने डीटीएच कनेक्शन में देती है, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो कि आज भी उसके लिए हर महीने पैसे लेती है। अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, आपकी पेन ड्राइव भी खुद की होती है, उस पर जो पैसा आपने लगाया था वो भी आपका होता है, और कंपनीज फिर भी आपसे पैसे लेती है अगर आप चैनल में रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। लेकिन सेंट्रेड ऐसा नहीं है। सेंट्रेड कहता है मेरे लिए सभी बराबर है। अगर आप कोई भी चैनल रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो बिल्कुल निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग करने का मौका मिलता है, लेकिन आपको भी मालूम होगा कि अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग तभी होगी अगर आपका पेन ड्राइव का साइज इतना ज्यादा होगा। मान लीजिए आपकी फाइल साइज बन रही कोई 10 GB के पार और आपके पेन ड्राइव का साइज ही 8 GB है, तो ऐसे में आप रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए आपको भी उसी चीज का ध्यान रखना होगा कि जितनी ज्यादा फाइल्स रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, अपने प्रोग्राम्स को या टीवी चैनल को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो उसी के अनुसार ही आपको पेन ड्राइव लगानी है। मिनिमम मेरे ख्याल से 8 GB की इनफ होती है, लेकिन अगर आप ज्यादा ही कुछ प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा का साइज का पेन ड्राइव लगाकर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्डिंग आपको कैसे करनी है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। कुछ कस्टमर्स जो है वो सेंट्रेड के अभी नए नए हाल ही में शामिल हुए हैं और कुछ कस्टमर्स ने हमारे द्वारा भी सेटअप बॉक्स को खरीदा है। सनट्रेड का दोस्तों आपको मैं एक और फायदा बताता हूँ, ये काफी सस्ता डीटीएच है। जहां बाकी डीटीएच कंपनीज आपसे एनसीएफ 153 रुपीज लेती है, तो वही सनट्रेड सिर्फ 50 रुपए लेता है। 50 रुपए, जी हाँ दोस्तों, आप मान सकते हैं 50 रुपए में आजकल कुछ भी नहीं आता। छोटी मोटी चीजें ही हम जो है खाने पीने में ही 50 रुपए खर्च दिया करते हैं, लेकिन अगर 50 रुपए में आपको मनोरंजन मिल जाएगा पूरे एक महीने के लिए, तो आपका जो हर महीने का रिचार्ज है उसका जो बोझ है वो काफी कम हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम रिचार्ज करवाना भूल जाते हैं, या फिर कई बार जो हम रिचार्ज करवाते भी नहीं है कि यार इस महीने छोड़ देते हैं, अगले महीने रिचार्ज करवा लेंगे। तो इससे भी आपकी बचत होगी, आपको मात्र 50 रुपए में ही पूरे 146 से भी ज्यादा चैनल देखने का मौका मिलेगा। और वही आप किसी पेड चैनल को देखना चाहते हैं तो सिर्फ आपको उसी की कीमत देनी है, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। सबसे सस्ता डीटीएच है दोस्तों, यहाँ पर आपको हमारे पर एक ऐसा भी ऑप्शन मिल रहा है कि आपको पूरा कनेक्शन नहीं चाहिए तो सिर्फ सेटअप बॉक्स भी मिल जाएगा। आपको सिर्फ सेटअप बॉक्स लेना हो तो वो ले लीजिए, आपके पास जो भी घर में डिश लगा हुआ है उस पर इंस्टॉल करवा लीजिए। आपको हमारे द्वारा बॉक्स दे दिया जाएगा, 7 दिनों के भीतर ही आपके पास पहुंच जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी शिपिंग रहेगी, 100 रुपए आप और भी ऑफ कर सकते हैं अगर आप हमारा कूपन कोड अप्लाई करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हाई डेफिनेशन का बॉक्स मिलेगा, HD चैनल्स को आप सब्सक्राइब करके देख पाएंगे, और आपको एक महीने के लिए HD पैकेज भी हम फ्री देंगे। और इस एक महीने के जो HD पैकेज ही खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम मात्र 50 रुपए का रिचार्ज करवाकर अपने अकाउंट को ऑन रख सकते हैं, एक्टिव रख सकते हैं, जिसमें आपको 146 से भी ज्यादा चैनल मिलेंगे। अगर आपको मालूम नहीं है कि कौन कौन से चैनल आपको 50 रुपए में मिल जाते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देरी नहीं करेंगे, हम चलेंगे टीवी स्क्रीन की ओर और जानेंगे कि अच्छी रिकॉर्डिंग फैसिलिटी को आप किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों सीधा हम टीवी स्क्रीन की ओर आ चुके हैं और यहाँ पर जो है हम रिकॉर्डिंग फैसिलिटी को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पेन ड्राइव को कनेक्ट कर लेना है। जैसे पेन ड्राइव को कनेक्ट करेंगे कुछ इसी प्रकार का आपके सामने मैसेज आएगा जो कि कन्फिग का होगा। वो पेन ड्राइव के अंदर आपके स्टोरेज को कन्फिग करेगा, चेक करेगा, और उसके बाद जो है आपके लिए वो रिकॉर्डिंग फैसिलिटी को इनेबल कर देगा। रिकॉर्डिंग फैसिलिटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो कोई खर्चा आपको नहीं करना होता है इसके लिए। तो सिंपली आपको आप उस चैनल पर जाना होगा जिस चैनल पर आप रिकॉर्डिंग को लगाना चाहते हैं। मान लीजिए अगर आप कोई भी चैनल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको उस चैनल पर जाना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी चैनल को देखें तो हमें कुछ ऐसे चैनल पर जाना होगा जो कि आपका फ्री में हो। तो चलिए हम चलिए काम करते हैं, मक्खल को लगा के देखते हैं। ठीक है, आपका मक्खल TV जो चैनल है उसको दोस्तों हम रिकॉर्ड करके देखेंगे। रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको सिंपली रिमोट से रिकॉर्ड बटन पर प्रेस करना है, और प्रेस करते ही दोस्तों वो जो आपको रिकॉर्डिंग टाइम बता रहा है कि कितने टाइम के लिए जो रिकॉर्ड होगा, और करंट टाइम में दोस्तों आपका यहाँ पर चल रहा है जो है उसके हिसाब से। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस चैनल के प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने के लिए हम बिगिन रिकॉर्ड जो है उस पर रिमोट से ओके प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस करते ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिगिन रिकॉर्ड हमारे बीच आ चुका है, और चैनल के साथ आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग का जो लोगो है वो भी दिखाई दे रहा है, यानी कि रिकॉर्डिंग जो है दोस्तों वो उस चैनल की हमारे लिए चल चुकी है। अगर इस रिकॉर्डिंग को आप रोकना चाहते हैं तो दोस्तों रिमोट से आपको स्टॉप बटन जो है उस पर प्रेस करना है, और प्रेस करते ही दोस्तों यहाँ पर आपके बीच आ जाएगा कि क्या वाकई में आप रिकॉर्डिंग को रोकना चाहते हैं। तो जी हाँ, हम रोकना चाहते हैं, रिमोट पर ओके प्रेस कर दीजिए। रिकॉर्डिंग दोस्तों आपकी रुक चुकी है। अब रिकॉर्डिंग की हुई फाइल को देखने के लिए आपको सिंपली जाना होगा मेन्यू बटन में, और मेन्यू बटन पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर कई ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन आपको आना है स्टोरेज पर, और स्टोरेज पर आने के बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा मीडिया प्लेयर, उस पर रिमोट से ओके प्रेस कीजिए। ओके प्रेस करते ही दोस्तों यहाँ पर जो है आपकी रिकॉर्डिंग जो फाइल्स है वो आ चुकी है। पहले भी आपको मैं दिखा चुका हूँ कि गोल्ड माइंस जो है मैंने रिकॉर्डिंग करके देखा था,
और उसी के अलावा दोस्तों आपको मक्खन टीवी जो चैनल अभी रिकॉर्डिंग करके दिखाया है तो उसको देखने के लिए आप रिमोट से उस पर ओके प्रेस कीजिए। देख सकते हैं दोस्तों रिकॉर्डिंग जो हमारी शुरू हो चुकी है। अब रिकॉर्डिंग को फुल करने के लिए स्क्रीन आपको रिमोट से नंबर 3 को जो बटन है वो प्रेस करना है। वैसे ही प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग जो हमारी शुरू हो चुकी है। अब रिमोट से दोस्तों आप इसको आगे पीछे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, पॉज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और प्ले करना चाहें या फास्ट फॉरवर्ड करना चाहें तो दोस्तों वो भी कर सकते हैं। जैसे आप करेंगे तो ये रिवाइंड भी हो जाएगा, वहीं पर पॉज करना चाहें तो पॉज भी हो जाएगा, और वहीं पर आप प्ले करना चाहें तो वहीं से प्ले भी हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ फीचर्स हैं दोस्तों इसके रिकॉर्डिंग के, आप किसी भी चैनल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और बाकी इसके इन्फो को हाइड करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको रिमोट से इन्फो बटन प्रेस करना है, वो इन्फो आपका हाइड हो जाएगा, और वही वापस लाना चाहते हैं तो इन्फो बटन को प्रेस कीजिए। बाकी दोस्तों उसका प्रीवियस सेटअप भी कर सकते हैं, करने के लिए आपको रिमोट से उस पर ओके प्रेस करना है, और यहाँ पर टाइम शिफ्ट स्टेटस हो गया, टाइम शिफ्ट स्टेप हो गए, और स्टार्ट रिकॉर्ड अर्लियर जो है दोस्तों, और एंड रिकॉर्ड जो लेटर है उसके सिस्टम को आप यहाँ पर अपने हिसाब से सेटिंग्स को कर सकते हैं। वही दोस्तों यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस सेटअप भी आप चेक कर सकते हैं कि स्टोरेज कितनी आपकी पेन ड्राइव में, आप देख सकते हैं कि हमारा टोटल स्पेस 7.82 GB है और फ्री जो स्पेस है 5.93 GB है, तो 5.93 GB का ही जो है रिकॉर्डिंग हम कर पाएंगे। यूज्ड स्पेस जो है दोस्तों 1.88 GB का है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको ये भी जानकारी हो जाती है कि आखिर पेन ड्राइव में आपका कितना स्पेस रह गया है रिकॉर्डिंग करने के बाद, यहाँ पर कितनी की रिकॉर्डिंग जो है वो अपने सेटअप बॉक्स के चैनल में, या फिर कितने जो है चैनल्स को रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं इस सेटअप बॉक्स में। दोस्तों काफ़ी अच्छा फीचर है दोस्तों। बाकी आप फॉर्मेट करना चाहें अपने डिवाइस को तो यहाँ से फॉर्मेट USB डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डिवाइस है वो फॉर्मेट भी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ चुका है। बाकी इसकी अधिक जानकारी पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। बाकी सैंड्रॉइड की आप चैनल लिस्ट देखना चाहते हो जिसमें आपको 50 रुपये में कौन कौन से चैनल्स मिल जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जाइए और आप चैनल लिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। नमस्कार।